आपसे अब जानना चाहेंगे आज ट्रेडिंग के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? लास्ट टाइम दो स्टॉक्स रेकमेंड किए थे हमने, एशियन पेंट्स और एसबीआई, और ऑफ कोर्स मार्केट ने बहुत साथ दिया है, तो दोनों स्टॉक्स के टारगेट अचीव हुए थे। इस बार भी दोनों ब्लू चिप काउंटर्स ही रिकमेंडेशंस में है। एक तो है एचयूएल और दूसरा है मारुति। हिंदुस्तान यूनिलीवर करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 2615 और टारगेट होगा 2850। दूसरा है मारुति, कल शाम को 10,000 पे क्लोज हुआ है, 10,015 के ऊपर बाय कर सकते हैं। आई रिपीट, 10,015 के ऊपर, 15 पॉइंट ऊपर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 9,800 एंड टारगेट होगा 10,245। मारुति एक्चुअली एक ऑटो पैक तो रैली करता ही आया है लास्ट 1-2 महीने में, आप देखेंगे। और मारुति ने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है जिससे ब्रेकआउट किया है कल, और एक मल्टीपल रेजिस्टेंस से भी कल ब्रेकआउट हुआ है। तो 10,245 बहुत शॉर्ट टर्म में टारगेट रख के लॉन्ग कर सकते हैं। की और दूसरा एचयूएल लिया है राहुल ने, ठीक है। कुणाल, आपके रिकमेंडेशंस क्या है? दोनों जो स्टॉक है दोनों में बाई साइड का ही है ना। वो इंडेक्स पे हम अगर नेगेटिव व्यू दे रहे हैं लेकिन स्टॉक पे बाई, तो एक्चुअली ऐसा है कि ये जो स्टॉक है दोनों इंडेक्स से थोड़े अलग चल रहे हैं और काफी अच्छी मोमेंटम फिलहाल इन दोनों स्टॉक में देखने को मिल रही है। सबसे पहला नाम जो है आरसीएफ का है। ओके, अगर चार्ट की बात करें तो ब्रेकआउट हमें चार्ट पे देखने को मिला है और अभी स्टॉक 116 के पास चल रहा है। लाइकली चांसेस है कि स्टॉक में हमें ऊपर में 120 एंड वो ब्रेक करके 128 तक की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, तो आज से बाय कर 110 के ऐसे उनके साथ। दूसरा जो स्टॉक है वो है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। उसमें भी अगर देखने जाए तो हमें पिछले 4-5 डेज का जो ट्रेडिंग रहे उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो वीबीएल बाय करने की सलाह रहेगी। 825 का अराउंड का क्लोजिंग है, 790 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करेंगे, 860 860 का पहला टारगेट है, वो जैसे ब्रेक होगा 900 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में कुणाल बोथरा भी बने हुए हैं जो समझते हैं। कुणाल, मॉर्निंग। कुणाल, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, आप हाईलाइट भी कर रहे थे कि इंडेक्स थोड़ा सा ऑफ कोर्स ओवरबॉट जोन में है लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ नहीं रहा। आप अभी भी बाय ट्रेड्स देख रहे हैं, बुलिश व्यू दिख रहा है, और कई मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या लार्ज कैप के इतने सारे ट्रेड्स हैं जो इस वक्त ऑल टाइम हाई पे। तो इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर है और आपकी रिकमेंडेशंस क्या है? तो जैसे हमने पहले 2 दिन पहले बताया था कि काफ़ी सारे फैक्टर्स और इंडिकेटर्स फॉर चेंज ओवरबॉट नेचर पे आ गए, तो मैं आपको कुछ एक फैक्टर्स बताऊंगा। पुट कॉल रेशियो 2.0 के लेवल्स पे आ गया, हम जनरली कहते हैं वन पिछली पॉइंट बार कब सिक्स था 2.0? 2020 जैन, तो उसके बाद हमें पता है क्या कि क्या बात हुआ है। है, सही है। बट पुट कॉल रेशियो 2.0 के लेवल्स के ऊपर क्रॉस कर लिया। निफ्टी 3 सिग्मा बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर आ चुका है। सो हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं कि वो एक एबरेशन होता है, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एबरेशन हम कहते हैं। चार हमने गैप्स इंडिकेट किए थे इंडेक्स में लास्ट 5 दिन की रैली में, 600-800 पॉइंट की जो रैली हुई थी इंडेक्स में। तो और काफ़ी सारे फैक्टर्स है, मार्केट ब्रेथ, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाव 20 डे, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट टेरिटरी में आ गए। तो 2 पॉइंट होता है, पहला कि इंडेक्स जब टॉप आउट करता है तो स्टॉक्स हमेशा पहले टॉप आउट नहीं करेंगे, बिकॉज स्टॉक्स एक इनर्शिया के थ्रू मूव करते जाते हैं अपसाइड में, जहाँ पे मोमेंटम, लिक्विडिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बट जैसे जैसे इंडेक्स में और थोड़ी सी लोअर लेवल्स आती है, तब हम देखते हैं कि स्टॉक्स में भी अचानक से रिवर्सल आना चालू हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि और 1-2 दिन स्टॉक्स में मूवमेंटम अच्छी रहेगी, बट इंडेक्स में जो करेक्शन मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो ज़्यादा सिवियर एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19,000-19,200 के आसपास हम शायद एक इंडेक्स में न्यू सपोर्ट फाइंड कर लेंगे। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा सा यहाँ पे पोजिशन को लाइट रखना चाहिए, और आई थिंक करेक्शंस पे बाय करना चाहिए। 19,000-19,200 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंडेक्स के लिए, वहाँ पे वापस से बाय पोजीशंस इनिशिएट की जानी चाहिए। ओके, तो ट्रेड्स कौन से हैं कुणाल? तो 2 बाय कॉल मैं स्टॉक्स, सजेस्ट करूंगा स्टॉक वाइज। बीएचएल पहला रहेगा, जो जिसको मैंने ओके, पहले 2 दिन पहले भी बाय कॉल दिया था। मेरा टारगेट 100 का रखूंगा मैं अभी भी स्टॉक पे, बट स्टॉप लॉस जो है मैं ट्रेल करूंगा 89 पर। और जीएसएफसी, काफ़ी सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमने देखा कि कल वापस एक मोमेंटम आया था, जीएसएफसी ने भी एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिया है, तो उसको भी सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 186 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 160। ऑलराइट, ठीक है। सो बीएचएल को भी हम डिस्कस भी कर रहे थे, आपकी बाय रडार पे है। जीएसएफसी और सेंचुरी टेक्सटाइल, ये इंटरेस्टिंग ट्रेड्स हैं आपकी, ठीक है। कुणाल, शुक्रिया बहुत बहुत ये सारे ट्रेड्स में बताने के। कुश बोरा भी हमारे साथ पैनल में शामिल हो चुके हैं। कुश, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आप सभी को, सारे दर्शकों को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। अ क्विक वर्ड ऑन द इंडेक्स, आई थिंक ये ऐसा मार्केट है जहां पे वी वांट अ 50 एंड 100 पॉइंट डिप, बट वी विल हैव टू कंटेंड विद अ 9 पॉइंट फ्लैटिश पॉजिटिव क्लोज। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रैली।
देखिए ओवरऑल सेटअप इंडेक्स में हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, आज एक्सपायरी है तो माइल्ड पॉजिटिव नेगेटिव बायस के साथ यू नो आज ट्रेडिंग हो सकती है 19,300 का जो लेवल है निफ्टी, शायद इसको रिस्पेक्ट करके चले बैंक निफ्टी पे 44,800 का लेवल जो है ये सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा। दैट्स ऑन द इंडेसीज। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, जिस तरीके का मोमेंटम हम स्टॉक्स में देख रहे हैं, आज के जो मेरे दोनों पिक्स हैं दोनों ही ऑन द बाय साइड है। पहला है यू नो यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल्स, एंड आई अश्योर यू दिस हैज नथिंग टू डू विद द अपकमिंग वीकेंड, दिस इज जस्ट द काइंड ऑफ मोमेंटम दैट यू नो द स्टॉक इज शोइंग। अच्छा खासा ब्रेकआउट था कल, थोड़ा सा ऑफ लोस क्लोज हुआ था लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर पे भी इसमें अपटेक दिख रहा है। कल वॉल्यूम में भी हमने एक अच्छा खासा यू नो अपमूव आते हुए देखा। यहाँ से फ्रेश एंट्री लें, 945 960 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 915 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक दूसरा स्टॉक जो काफी सुर्खियों में है, थोड़ा स्मॉल टिकट है, SJVN, इसमें भी हम अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं, वॉल्यूम एक्शन पिकअप हुआ है। कल जो इसने ब्रेकआउट दिया था हमें लग रहा है ये सस्टेन हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से लें तो 46 और 48 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 42 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कुछ के ट्रेड्स अब हमारे सामने आ चुके हैं, ठीक है, सारे एक्सपर्ट्स के वापस रिकमेंडेशन है और बाय रिकमेंडेशन और HUL जैसे बड़े स्टॉक्स, मारुति जैसे बड़े स्टॉक्स, यानी लार्ज कैप्स भी है, मिड कैप और स्मॉल कैप का भी सिलेक्शन, और यूनाइटेड स्पिरिट्स आप कुछ भी यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, कुछ और